आई थिंक पार्टी वही है, फुल ब्लैक एंड फुल वाइट, या कलर कॉम्बिनेशन रखा है, आधे लोग ब्लैक में आधे वाइट, आधे लोग वाइट में. वेल आपसे पूछना चाहेंगे, आप कितना एंजॉय करते सच टाइप ऑफ इंडियन लुक स्पेशली? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मतलब मुझे पर्सनली, मुझे इंडियन लुक बहुत पसंद है, क्योंकि इंडियन लुक में बहुत सारी चीज़ें आपको पहनने को मिलता है. हालांकि हम लोग सीरियल में इतना पहनते हैं कि कभी कभी पर्सनल लाइफ में बोर हो जाते, तो पर्सनल लाइफ में बिल्कुल नहीं पहनते. एग्जैक्टली, मैंने अभी वही बोला. हाँ, पर्सनल लाइफ में ऐसा ही होता है कि हम लोग शायद पहनते ही नहीं है कुछ ज़्यादा, एक वॉच पहन लेंगे बस उतना ही. बट आई लाइक इंडियन वेयर. मेरे मुँह से निकल गया, मतलब पर्सनल लाइफ में मैं बहुत लेजी हूँ. फिर बोला नहीं नहीं सॉरी, लेजी नहीं, क्योंकि सोनाली कुलकर्णी का उसका है ना कि इंडियन औरतें लेजी है. तो मतलब नहीं, मैं इसीलिए लेजी हूँ, मतलब लेजी नहीं वर्ड यूज़ करते, शूट पे इतना पहनता ना कि पर्सनल लाइफ में जैसे इसने कहा एक वॉच पहन लो, सिर्फ हल्का सा सनब्लॉक, मतलब मेकअप करने का भी मन नहीं करता है, ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 12 घंटे मेकअप ज्वेलरी के साथ सब कुछ करते हो. हाँ, लेकिन इसे एक चीज़ बहुत पसंद है, ये जो रेगुलर इमली के लुक में होती है ना, तो इसको बीच में जैसे ये सरदार जी बनी थी अभी बीच में एक और था, ये बहुत एंजॉय करती है कि इसको अपने इमली से हट के कुछ नया मिले. हाँ, तो ऐसी कोई भी ऐसा कैरेक्टर करने को मिलता है जो कुछ भेस बदल के डिस्गाइज लुक, तो मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मुझे लगता है अपने कैरेक्टर से बाहर जाकर मुझे कोई और कैरेक्टर प्ले करने को मिल रहा है. yes. तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ वो सब. You know, इतने सारे सभी एक साथ कास्ट, अलग अलग रूम्स एंड ऑल, कभी किसी के साथ प्रैंक किया जिस तरीके से आप दिख रहे हो, एकदम चुलबुली बना वैसा? बड़ा प्रैंक यार मैंने पहले शो, पिछले शो में किया था, इस शो में अभी तक ऐसा कोई बड़ा प्रैंक, बड़ा प्रैंक इसने नहीं किया, क्योंकि क्या होता है ना, बैक टू बैक ये बेचारे हर सीन में होते हैं, तो मैं ना अगर मैं गॉसिप भी करने आती हूँ ना, मतलब है क्या क्या गॉसिप चल रहा है, क्या गॉसिप चल रहा है, मैं ऐसे आती हूँ, फिर पीछे से इमली आपका शॉट लगा, मैं यार आके सुनती हूँ, तो मेरा ऐसे ही चलता रहता है, तो मुझे वो टाइम भी नहीं मिलता है. तो इसके साथ एक प्रैंक हुआ था, लेकिन बहुत सुपर फ्लॉप हुआ था, थोड़े दिन पहले ना एक हमारे एडी ने इसका फोन इसने उसको दिया था, तो उसने साइलेंट से हटा दिया. अरे हाँ, मैंने पाठक जी के साथ किया था प्रैंक, उनका मैंने उनका फोन साइलेंट से हटा दिया था, फिर मैंने उनको कॉल किया था, फिर उनका उनसे मिठाई, मतलब आइसक्रीम पूरे सेट को खिलाने के लिए इसने, वो पाठक जी हमारे एसोसिएट डायरेक्टर है, उनका फोन साइलेंट से हटा दिया. पाठक जी के पास नंबर नहीं था, वो कॉल बैक करे तो मैंने काट दिया. वो सोचे कौन लड़की ने कॉल किया मुझे. तो हाँ, ये किया था. मुझे चीला बना के खिलाया था, इन्होंने मुझे बोला था तू कब खाएगी तू बताना, मैंने बोला शाम को आप बनाना, तो बोले तेरे लिए बचा के रखा है, बचा के रखा है, ठीक है. मेरे पास इंडक्शन है, तो मैंने इससे पूछा था चीला खाएगी गर्म, तो बोला अभी तो दोपहर को लंच में नहीं, आप मुझे नाश्ते में देना, बोला ठीक है. तो शाम के नाश्ते में गरम गरम मस्त चीला बना के खिलाया. वैसे ज्यादा हम लोग बाहर नहीं मिलते, क्योंकि हम शूट पे बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसा मौका भी आएगा, बट हमने सेट पे पार्टी की है. वैसे सेट पे हमने बहुत पार्टी की, बहुत डांस किया है, और रील्स बनाते रहते हैं. ये हाँ, बड़ी पजेसिव है रील्स को लेके, अगर आप ठीक से नहीं रील्स में काम करो तो वो बाबा पजेसिव, मतलब ऐसे क्या है करना है, एक आप जाओ आप रील में सब. हाँ, मतलब कोई अगर बोले ना, अगर मैं कोई रील लेके सुनो ये करना है ये करना है, कोई अगर बोले ना अरे ये क्या है, मैं आउट. तीन चीजें ऐसी कोई जो परफेक्ट होनी चाहिए रील. रील में आपका कोऑर्डिनेशन, अगर ग्रुप है तो सबके कोऑर्डिनेशन परफेक्ट होनी चाहिए, लिपसिंग मैच होनी चाहिए, अगर कुछ साथ में कर रहे कोई जेस्चर वो साथ में होने चाहिए. तो जैसे चाचा जी हमारे हैं, वो हमेशा गड़बड़ करते हैं, तो मैं तो उनको बोलते आप निकलो, आप या तो सही करो या तो फिर आप रील खराब मत करो. तो मैं इस चीज़ को लेके, और हाँ, जब रील बनाना होता है मैं सबको बोलते को रील बनाना है, बीच में बहुत टाइम कम मिलता है, तो आप लोग ना सेट पे ही रहो, इधर उधर मत जाओ. ये लोग सब मैं आई रूम में, मैं थोड़ा लेट के आती हूँ, मैं थोड़ा ऐसे करके, तो मैं सबको डांटती हूँ, सबको लेट ना होता है, रील बनाना है, सब इधर ही रहो. तो अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, सब ऐसे करते हैं. तो मैं फटाफट जैसे शॉर्ट कट होता है, मैं सबको लेके फटाफट रील बनाती हूँ और डालती हूँ. बहुत दिन से नहीं बनाया ना, अभी ग्रुप रील नहीं बना है, क्योंकि मैंने नहीं इनिशिएटिव लिया है ना, इसीलिए. वो तू ही करेगी, क्योंकि देख तू बिजी होती है, हम तो वेले होते हैं ना. हाँ, सब खींच खींच के लाना पड़ता है मुझे. मैं फैंस को तो पहले बोलूंगी थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हो सबके, मतलब सबके सब सारे कैरेक्टर्स के अलग अलग एडिट्स बनाते हो, अलग अलग म्यूजिक डालते हो, और बहुत प्यारे प्यारे एडिट्स होते हैं. मैंने देखा है सब लोग स्टोरी पे शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को. ऐसे ही प्यार देते रहिए, क्योंकि हम लोग एवरी डे बहुत मेहनत करते हैं, और सिर्फ आप लोगों के लिए करते हैं. तो आप लोग जितना प्यार दोगे उतना ही कम है मेरे. प्लीज़ करते रहिए प्यार, हम जब तक काम करें तब तक, और इमली होना चाहिए टॉप वन पे. यस, इट विल बी. थैंक यू सो मच. बेचारी बीच में से आगे देखा टाइम. थैंक यू. चलते चलते सुनो, सोनाली कुलकर्णी ने कुछ कमेंट कर दिया. किस पे? ऐसी इन जनरल वुमेन्स डे के बात कर, शायद उसका कमेंट आया कि इंडियन औरतें बहुत लेजी होती है, वो ऐसे ही लड़के ढूंढती है आराम से बैठ के रिलैक्स होना, ये वो. तो मुझे पूछा, तो मैंने ये बहुत जनरल कमेंट है, मतलब ऐसे
परसेंटेज की लड़कियां होती है पर सब ऐसी नहीं होती। हाँ, मुझे तो देख लो, इमली को देख लो, वी आर वुमेन ऑफ द हाउस ना, एक को पकड़ के सबको जनरलाइज कर सकते हैं जनरल। हाँ फिर क्या, हम मेहनत करें। ये देखो 12 घंटे महीने के 28 दिन ये लड़की शूट करती है और शूट करने के बाद में भी इसकी एनर्जी, मुझे पता नहीं क्या है पर इसकी एनर्जी, मैंने इसका बहुत फेवरेट नाम रखा है ओवर एक्टिंग की दुकान। क्यों पता है, मैं आपको बताऊं, जैसे हम किसी शॉप में चले जाएंगे तो कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती पुराने तरीके जैसे, मतलब पुराने टाइम, भैया ये दिखाना, अच्छा ये नहीं पसंद है एक मिनट, ये है, ये नहीं पसंद है ये है, वैसे अगर एक्सप्रेशन देखने हो ना, ये नहीं चाहिए एक बड़ा दूसरा है ना, इतना स्विच ऑन स्विच ऑफ इसके एक्सप्रेशन, समझ में नहीं आया आप लोग, आई एम श्योर। अच्छा तो तू समझा, खराब समझा, अच्छा अभी तो डिटेल में समझा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, जस्ट कि स्विच ऑन स्विच ऑफ है, इसलिए इन्होंने देखा है मुझे, बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है, इसलिए इनको लगता है कि मैं बहुत ओवर एक्टिंग करती हूँ, क्योंकि हम लोग कभी भी आते हैं एंड सडनली सबके सारे सब लोग भी ऐसे देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब सपोज कि आए सुबह सुबह, अरे हाय हाउ आर यू, एंड इसको मैं रुलाऊंगी या तो चीनी रुलाएगी, तो ऐसे आंखों में आंसू थे और ऐसे, और उसको वॉक करके जाना था, तो मैंने बहुत ध्यान से इसको देखा था, तब से मैंने बोला यार ये खतरनाक लड़की है, ऐसे करके मैंने बोला भाई इतना सडन कट बोला तो मैंने ऐसे करके ऐसे हटा दिया, ये हो गया ना सीन कट, मैंने बोला इसको कोई ओवर एक्टिंग वाला कैरेक्टर मिले ये बहुत बढ़िया करेगी, ये अवार्ड ले जाएगी, पूरे देश के जितने बड़े अवार्ड है ये ले जाएगी, वो 100% है। थैंक यू, ये तो अच्छा समझा ना, ये मैं इमली के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया हमने, कुछ कुछ इमली अगर आप भी हेतल जी के बारे में बता दो, क्योंकि दोनों की बॉन्डिंग हम देख सकते हैं कितनी अच्छी है। हाँ नहीं, हम लोग ऐसे ही सेट पे भी ऐसे ही करते रहते हैं, इनका ये है कि ये भी बहुत, मतलब पहले तो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है, बहुत अच्छी है, एकदम फटाफट आना सेट पे आना, फटाफट डायलॉग रेडी, सब कुछ रेडी, लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम है इनकी आवाज़ बहुत लाउड है, इनको ये पता नहीं है इनकी आवाज़ बहुत लाउड है, तो इनको लगता है कि वो विस्पर कर रही है, बट वो विस्पर नहीं होता, वो सबको पता होता है, तो इनको सर से डांट भी पड़ती है कि बुआ जी। हाँ, और इनकी और एक प्रॉब्लम है कि फ़ोन पे बहुत रहते हैं, और इसकी वजह से शॉर्ट के टाइम बहुत बार फ़ोन बच चुका है, और काफ़ी सारा आइसक्रीम ड्यू रह चुका है सेट पे। नहीं नहीं ड्यू नहीं, तीन बार खिला है। अच्छा हमारे यहाँ पे इमली के सेट पे ना, हमारे डायरेक्टर ने एक रूल बनाया है कि अगर शॉर्ट में गलती से किसी का फ़ोन बजा या आप साइलेंट पे करना भूल गए तो पूरे यूनिट को आपको आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी, जो आई थिंक आराम से 5-6 हज़ार का खर्चा एक दिन का। तो मैं 3 महीने में 3 बार खिला चुकी हूँ, और अब अभी तो मैंने पूरे सेट को, पूरी यूनिट को 3 बार खिलाया, पता है मैं कहाँ थी, बेचारी कहीं आउटडोर में होगी, मिस कर दिया इसने आइसक्रीम, 2 बार खाई होगी इसने, लेकिन डेफिनेटली कि नहीं वो भी नहीं खाया, कोई नहीं अकेले में खिला दूंगी मैं, तो 3 बार खिला चुकी हूँ अब मैं ना सेट पे। 3 बार खिला मैंने, 1 बार खिला, मतलब एक बार से सबक मिल जानी चाहिए ना, सीख नहीं इनको, सीख नहीं मिलती इनको, उसके बाद भी 2 बार बजा, मतलब जब पहली बार इनका आइसक्रीम खिलाना पड़ा इनको, उसके बाद भी इनका 2 बार बजा, जब ऐसे बजा तो ऐसे ऐसे करती है, बट वो बंद नहीं होता, बंद नहीं, फोन आया, सबकी नजर ऐसे बुआ जी पे, बुआ जी आइसक्रीम, और नहीं बुआ जी आइसक्रीम छोड़ दो, जब बजेगा ना तो शॉट रुक जाएगा और पूरी यूनिट क्लैप करेगी जैसे शादी में, मतलब होता ना कि हो गया आप इनका इन आइसक्रीम आएगा, तो चलान कटा टाइप, तो ये है इनकी दो प्रॉब्लम। और इससे पहले तूने और क्या तारीफ की थी मेरी, के लाउड वॉइस, नहीं नहीं ये बोलती, इसे पता नहीं, मुझे पता है बहुत अच्छे से, और इसने एक चीज बैंग ऑन बोली, मैं चाह के भी जिंदगी में विस्पर नहीं कर सकती, मुझे बहुत शायद ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ऐसे, ये नहीं हो सकता मुझसे, मुझे इनका विस्पर बहुत लाउड है, सुनना ये जो बगल में उसके बुराई करनी है तो सुन लीजिए, और का सीन चल रहा होता है, हम लोग बैकग्राउंड में होते हैं तो इनका विस्पर भी सबको सुनाई पड़ता है, तो उनको अलग से बोलना पड़ता है कि बुआ जी आप थोड़ा सुन लिया हमने, आपने क्या खुसुर की वो सुन लिया, चुप हो जाइए। बाकी बहुत मस्त है, मस्त मौला है, बहुत मस्ती करती है, और बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, खुले दिल और मस्ती खोर वाले हैं ऐसा, तो बट वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच को-एक्टर्स, एंड शी इज़ ऑल्सो वंडरफुल एक्टर, मतलब इतने 28-30 दिन शूट कर रहे हैं ना, मैंने इसको कभी भी ऐसे नहीं देखा इस लड़की को, दैट इज़ कमेंडेबल, मैं हमेशा उसकी इस बारे में अप्रिशिएट हूँ, मैंने उसको बोला भी है पर इतने डिटेल में नहीं बोला, मैंने उसको कभी टायर्ड नहीं देखा, एंड शी इज़ ऑलवेज ग्रेटफुल, दैट इज़ वेरी गुड थिंग अबाउट हर, आई हैव नेवर सीन अ क्रिपिंग अबाउट एनी थिंग, ये क्या है ये क्या है ये क्या है, वो बोल दे एक बार ये क्या है, ठीक है चलो
यू नो शी विल गो विद मतलब काम तो करना ही है वो तो हाँ, शी विल नेवर क्रिब अबाउट वर्क दैट इज वेरी वंडरफुल थिंग अबाउट हर बिकॉज इवन मैं आई बिलीव दैट सेम थिंग दैट वी आर एट वर्क वी शुड नेवर क्रिब अबाउट एनीथिंग बिकॉज दिस इज आवर वर्क 19-20 आगे पीछे चीजें होती हैं यू हैव टू एडजस्ट एंड मूव अहेड सो शी इज लाइक ये चीज में हम दोनों का बहुत सेम यू नो मैच करता है यस हो गया ये ऐड करो